आप देख रहे हो कि प्री दिवाली पार्टी हम लोग कर रहे हैं कुणाल जी और मैं हमारे करीबी लोगों के साथ, एंड हम हर साल ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं जो लोग हमारे एकदम करीब है, दिल के करीब है, एंड दे मैटर टू अस। हम लोग को ऐसे इनफॉर्मल लोग पसंद है जो सिर्फ सोशल गैदरिंग्स पसंद नहीं है। तो दिवाली एक त्यौहार है दैट नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड विद योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस, एंड हर साल की तरह कुणाल जी और मैं यही चाहेंगे कि सबके घर में खुशियाँ आए, दिवाली की रोशनी सिर्फ दिवाली के दिन नहीं रहे, साल भर रहे, हर दिवाली तक, और ऐसे ही उभरती रहे। अमिशा जी, आपसे हम लोगों ने जब भी पहले मिले दिवाली फेस्टिवल पे, काफ़ी कुछ स्टोरी जानने को मिली है, तो आपकी काफ़ी स्पेशल मेमोरीज है दिवाली से, तो कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? जी, काफ़ी जली हूँ फटाके जलाते जलाते, क्योंकि आई वॉज़ वेरी एडवेंचरस। गलती से काफ़ी रॉकेट में गलत जगह पर घुसा दी हूँ मैं लोगों के, बताने ही नहीं चाहती। लेकिन हर दिवाली मेरी दादी माँ के साथ इम्पॉर्टेंट थी कि मैं उनके साथ ही बिताऊँ। वो पूना में रहते थे, वो इस दुनिया में नहीं है 12 साल से, लेकिन हमेशा या तो वो बॉम्बे आते थे या हम पूना जाते थे या हम सब फैमिली महाबलेश्वर जाते थे, और हमेशा उनके साथ ही दिवाली की खुशियाँ मनाते थे। और वो हमेशा बच्चों को पॉकेट मनी मिलता है और हम सब पॉकेट मनी इकट्ठा करके फायरवर्क्स वगैरह खरीदते थे, और दादी माँ हमेशा हमें फायरवर्क्स की दुकान पे लेके जाके खरीदते थे और फिर एक्स्ट्रा पैसा डाल के और भी फटाके खरीदते थे। लेकिन एक साल मैंने दादी माँ को कहा कि इस बार मैंने एक एनवलोप बनाया और उसमें पैसे डाल दिए, और सुबह सुबह जब दादी माँ हम लोग नहा धो के तैयार हो गए दुकान में जाने के लिए, तो दादी माँ ने पूछा कि आप कितने रॉकेट खरीदोगे, कितने फुलझड़ी, कितने जमीन ज़मीन चक्री। तो मैंने वो एनवलोप दे दिया और उनको कहा कि इस साल से मैं सिर्फ यही चाहूँगी कि मैं ये जितना भी पॉकेट मनी इकट्ठा हो मैं अनाथ बच्चों को दे दूँ। और उस दिन से आज तक मैंने हमेशा मेरा पैसा अनाथ बच्चों को दिया है, एंड दादी माँ इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा ये सबसे बेस्ट काम किया। क्या बात सर, आपकी अगर कोई मेमोरी शेयर करना चाहे दिवाली की। कुणाल सर तो ताश बहुत खेलते थे, उनको पूछो, और पार्टियां सब और पार्टियां इनके घर में जबरदस्त, पूरे 10 दिन 11 दिन इनके घर में। बहुत लोग की ज़िंदगी बहुत कुछ टेंशन्स एंड फ्रस्ट्रेशंस एंड नॉन स्टॉप प्रेशर ऑफ लाइफ रहता है। समटाइम्स दीज ओकेजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव इट एंड लेट गो इट। सिर्फ 3-4 दिन के लिए सब लेट लूज करो एंड एंजॉय योरसेल्फ फॉर द मोमेंट। सो आई थिंक वी बिलीव इन दैट अ लॉट। और एक और चीज़ थी, जब हमेशा मैं जब फिल्मों में आई तो मेरी हर दिवाली एक सेट पे गई है काम करते हुए, चाहे वो गदर के सेट पे हो, कहो ना प्यार है के सेट पे हो, हमराज के सेट पे, और मुझे रात को ही छुट्टी मिली है। तो मैं ये भी मानती हूँ कि अगर आप दिवाली के दिन पे काम करो तो आप पूरे साल काम करोगे, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आप लोग भी सब काम कर रहे हो, सो शुक्र भगवान का। 6 बजे से सुबह से लगे हुए थे सेट पे एंडोर्समेंट की शूट करके, शाम को 6 बजे आए पार्टी के लिए। वो भी रिचुअल आज भी कंटिन्यू हो गया। लास्टली आप दोनों से जानना चाहेंगे, जिस तरह से दिवाली के फेस्टिवल को लोग ने इस समय बना दिया कि पटाखे ज़्यादा ना फोड़े, एनिमल को सेफ रखे, तो आप लोगों के थ्रू कोई मैसेज टू योर फ्रेंड्स? मुझे लगता है कि एनिमल को सेफ, पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, प्लस जो फैक्ट्रियों में ये फटाके बनाए जाते हैं ये अंडर एज लेबर के साथ बनाए जाते हैं, और इतने टॉक्सिक मटेरियल्स के साथ जहाँ उनकी रोशनी चली जाती है, एंड दे हैव नो चॉइस बट टू डू इट, यू नो दिस अंडर एज लेबर। तो ये सब एक हॉल्ट पे हो जाता है, दे नॉट इनकरेज टू वर्क, दे नॉट फोर्स टू वर्क। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आई थिंक एक
वक्त आ गया है जहाँ हम लोग को एनवायरनमेंट पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, बच्चों का ध्यान, एनिमल का ध्यान, गंदगी का ध्यान रखना ही चाहिए. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. रादर डोनेट दैट मनी जैसे हम सालों से करते आए टू अनाथ बच्चे या ओल्ड एज होम्स, यू नो इट्स मच मोर यूजफुल.